आज हम बनाएंगे बिना चीनी बिना गुड़ के मिठाई, जो कि ड्राई फ्रूट से बनी हुई है और एनर्जी से भरी हुई है। इसके लिए हमें चाहिए 10 से 15 काजू, 10 से 15 बादाम, 1 टेबलस्पून पिस्ता, 10 अखरोट, 1 टीस्पून घी, नारियल का बुरादा और 1 कप खजूर और इस तरह के मोल्ड्स। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इसे लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले बादाम डालें और गैस को धीमी आंच पे रखें। फिर अखरोट, काजू, पिस्ता, हमें इसे ज़्यादा देर नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म होते ही बंद कर दें। अब इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इतनी देर हम अपने खजूर के बीज निकाल लेंगे। मेवे ठंडे हो रहे हैं, इतनी देर हम इसके बीज निकाल लेंगे। हमारे सारे बीज भी निकल चुके हैं और ड्राई फ्रूट भी ठंडा हो चुका है। अब इस ड्राई फ्रूट को एक जार में डालकर हल्का दरदरा पीसें, ज़्यादा महीन ना करें। हमारे ड्राई फ्रूट्स पीस चुके हैं, इसे एक प्लेट में निकाल दें और खजूर डालकर पीस लें। हमारा खजूर भी पिस गया है। अब फिर से गैस को ऑन करें, धीमी आंच में रखें। इस घी को इसमें डालें 1 टीस्पून। और अब खजूर डालें, इसे सेकें। गैस को धीमी आंच पर ही रखें, नहीं तो यह खजूर जल जाएगा। इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का गर्म करना है। हमारा खजूर सिक चुका है, अब गैस को बंद कर दें और इसमें अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। ये पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दें और इसे मिला लें। हमारा ड्राई फ्रूट और खजूर मिल चुका है, अब इसे हम मोल्ड में डालकर सेक। इसे ज़्यादा ठंडा ना करें, हल्का गर्म रहते हुए ही मोल्ड में डालकर सेव दें। इस तरह से हम अलग अलग शेप के बना सकते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इस तरह
गोल भी कर सकते हैं। इस तरह के मोल्ड में भी हम इसी तरह प्रकार बनाएंगे। इस तरह दबाकर इसे निकाल लें। ये तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम इस नारियल के पुरादे में लपेटेंगे। आप चाहे तो इसे लपेट भी सकते हैं और ना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसे हम बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं।